इकोसार एसी की जानिब से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम आपको इकोसार एसी की एप्लीकेशन को एसी के साथ कनेक्ट करना, डाउनलोड करना, उसको फर्दर इंस्टॉल करना और यूज़ करने के बारे में बताएंगे। तो इस काम के लिए सबसे ज़रूरी है ऐप को प्ले स्टोर और iOS से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना। आज हम आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए कुछ तरीके बताएंगे। तो सबसे पहले मोबाइल टर्मिनल्स जैसे कि स्मार्टफोन्स और टैबलेट के लिए गूगल प्ले या ऐप स्टोर के ज़रिए एसी फ्रीडम को सर्च और डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें। आप अपने मोबाइल टर्मिनल के साथ QR कोड को स्कैन करके बराह रात एसी फ्रीडम को डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। जब कंट्रोल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए तो वेलकम पेज को डाउनलोड करने के लिए स्कैनिंग फेस में एंटर हों। यहाँ आपको स्कैनिंग इंटरफेस में लॉगिन्स की दो किस्में मिलेंगी। इसके बाद स्कैन को क्लिक करें और दाईं तरफ दिए गए QR कोड को स्कैन करें। फिर एंटर एक्टिवेशन कोड वाली जगह पर एक्टिवेशन कोड 6364D का इंद्राज करें। अब व्यूअर्स, हम आपको वाईफाई मॉड्यूल को रीसेट करने का तरीका बताते हैं। जब एसी चल रहा हो तो कूल के बटन और प्लस के बटन को 3 सेकंड के लिए इकट्ठे दबाएं। यहाँ आपको बीप की आवाज़ 8 बार सुनाई देगी। फिर 2 सेकंड के वक्फे के बाद बीप की आवाज़ आपको 2 मरतबा दोबारा सुनाई देगी, जिसका मतलब है कि रीसेट कामयाबी से हो गया है। अगर डिवाइस कामयाबी से कनेक्ट ना हो तो एयर कंडीशनर के वाईफाई को इसी तरीके से रीसेट करें। जब कंट्रोल सॉफ्टवेयर कामयाबी से आपके मोबाइल पर डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाए तो आप बढ़ेंगे इसे अगले स्टेप की तरफ। तो एसी को स्क्रीन पर नज़र आने वाली तस्वीरों के मुताबिक कन्फिगर करने के लिए ये इकदाम करें। सबसे पहले कंट्रोल सॉफ्टवेयर को एक्टिव करें और वाईफाई मॉड्यूल को रीसेट होने के बाद ऐड डिवाइस पर क्लिक करें। इसके बाद वाईफाई नेम खुद ब खुद वाईफाई नेम में ज़ाहिर हो जाएगा। वाईफाई का पासवर्ड एंटर करें और स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन को क्लिक करें। जब कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल हो जाए तो डिवाइस लिस्ट का फीचर खुद ब खुद सामने आ जाएगा और आप एसी की कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। पहली बार कॉन्फ़िगरेशन करने की सूरत में या वायरलेस रूटर कनेक्ट करने की सूरत में या एक्सेस पॉइंट बदलने की सूरत में इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपका मोबाइल या कोई भी टर्मिनल जैसे कि टैबलेट है जहाँ पे आप ऐप यूज़ कर रहे हैं वो भी उसी वाईफाई के साथ कनेक्टेड हो, और जब वो उस वाईफाई के साथ कनेक्टेड होगी तभी आपको वो स्टेप में आगे जाने का मौका देगी। अगर कॉन्फ़िगरेशन में नाकामी हो तो आप कॉन्फ़िगरेशन फील्ड चेक आइटम्स का बटन दबाएं और एसी को रीकॉन्फ़िगर करने से पहले नाकामी की वजूहात ज़रूर जानें। कॉन्फ़िगरेशन की कामयाबी के बाद आप कॉरस्पॉन्डिंग एसी का नाम एंटर करें और फर्दर ऑपरेशन के लिए कंट्रोल इंटरफेस में एंटर हों। यहाँ तक आपने अपनी एसी फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है, तो आएँ अब आपको बताते हैं कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जब सॉफ्टवेयर एक्टिव हो जाए तो ऐप जो काम करती है इनमें पावर ऑन, दर्जा हरारत की सेटिंग। तो दर्जा हरारत की सेटिंग के लिए आपको सबसे ऊपर ब्लू कलर का एक सर्कल शो होगा जिसके अंदर टेम्परेचर मेंशनड है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके अंदर आपको नीचे दिया गया टेम्परेचर एम्बियंट टेम्परेचर है जो कि आपके कमरे का टेम्परेचर होगा। तो इसकी सिलेक्शन के लिए आप प्लस माइनस भी कर सकते हैं जो कि राइट साइड पे एरो उसको ज़्यादा की तरफ लेके जाएगा और कम साइड का एरो उसको कम की तरफ लेके आएगा, मतलब ज़्यादा ठंडक की तरफ लेके आएगा। और आप इसको वैसे जो डॉट है उसको भी यूज़ करके उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम दाखिल होते हैं मोड्स के अंदर। आपको इकोसार एसी देता है कूलिंग, हीटिंग, ड्राई, फैन और ऑटो मोड। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर सर्दियां हैं तो आप हीट मोड यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको एक अच्छा रूम टेम्परेचर देता है आपकी मर्ज़ी के मुताबिक। और इसी तरह एक और मोड है इसमें जिसे हम ड्राई मोड कहते हैं। ड्राई मोड अमूमन मानसून या बरसात के मौसम में इस्तेमाल होता है जो कि कमरे की नमी को कम करता है और आपको एक कम्फर्टेबल इन्वायरमेंट देता है। इसी के फ़ौरन बाद आपको जो नेक्स्ट मोड मिलता है वो फ़ैन का है जिसमें उसका कंप्रेसर काम नहीं करता लेकिन आपको सिर्फ एसी एज अ फैन के तौर पर इस्तेमाल दे सकता है। और फिर आता है ऑटो मोड। इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखें कि ऑटो मोड में कुछ फंक्शंस ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि उसमें इको मोड है और कुछ मोड्स हैं जो कि उस टाइम पे डीएक्टिव हो सकते हैं। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो इकोसार एसी आपको देता है 4D एयर फ्लो। 4D एयर फ्लो का मतलब है कि अप एंड डाउन और राइट और लेफ्ट उसका फ्लो काम करता है ग्रिल का, ताकि आपको एक कमरे में एक बहुत अच्छी एयर फ्लो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मिल सके। तो आप स्विंग का फीचर देख रहे हैं। सबसे पहले आपके पास लेफ़्ट राइट का बटन आता है
और उसके नीचे अप डाउन का बटन आता है। आप अपनी मर्जी से इसको ऑन करते हैं और जहां आपको चाहिए कि ये रुके वहां पे आप इसको दोबारा प्रेस करने से रोक सकते हैं। इसके बाद आपको एप्लीकेशन के ऊपर डिस्प्ले और हेल्थ का बटन आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे हर एसी में डिस्प्ले और हेल्थ का बटन एक्टिव हो, ये सीरीज़ के अंदर वेरी करता है। और ये जानने से पहले आप हमारी कैटलॉग या वेबसाइट विजिट करके ये देख सकते हैं कि क्या ये फंक्शंस ये एसी में हैं या नहीं है। इसी तरह हेल्थ का बटन है जिसमें आ जाते हैं कई ऐसे फीचर्स जो आपको एक मज़ीद हेल्दी इन्वायरमेंट देते हैं, जैसे PM2.5 का रिमूवल है और से बहुत से ऐसे फीचर्स हैं। तो अब हम अपनी एप्लीकेशन में स्लीप मोड की बात करते हैं। स्लीप मोड ऑन करने पे आपको एसी जो है एक कंफर्टेबल टाइम देता है जिसमें वो ऑपरेट करके ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इस केस में स्लीप मोड 10 घंटे चलता है और आपको वो ऑटोमेटिकली उसके बाद वो बंद हो जाता है। अमूमन ये फीचर आप रात के टाइम सोने के वक्त यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपका एसी ऑटोमेटिकली 10 घंटे बाद बंद हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इको मोड की, क्योंकि इको स्टार एनर्जी एफिशिएंट एसी है और ये इन्वर्टर एनर्जी सेविंग करता है, तो आपको इसमें मज़ीद इको सेविंग मोड दिया गया है जो आपकी एनर्जी को मज़ीद सेविंग की तरफ ले जाता है और आपकी बिजली में जो बिल है उसमें कमी आती है। तो इस फंक्शन के बाद हम बात करते हैं स्लीप कर्व की। स्लीप कर्व एक बहुत ज़बरदस्त इको स्टार का फीचर है जो कि आपको बहुत टेलर मेड कस्टमाइज्ड किस्म की रूटीन की सिलेक्शन देता है। इसमें आप क्या करते हैं कि आप एक एसी को अपनी मर्जी के हिसाब से उसका सेट करते हैं टेम्परेचर के। फॉर एग्जांपल रात के 1 बजे जो है आपको एक डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए, हो सकता है आपके रात के 3 बजे आप टेम्परेचर थोड़ा कंपैरेटिवली कम चाह रहे हो, और इसी तरह आप हर घंटे की टेम्परेचर की सिलेक्शन कर सकते हैं जो कि इस ऐप में आसानी से हो जाती है। तो आपको वो वेरिएबल टेम्परेचर सेटिंग्स भी देता है और साथ उसके फ़ैन स्पीड्स भी देता है कि वो किस फैन स्पीड के ऊपर किस घंटे में कैसे काम करे। अब स्लीप कर्व के फंक्शन के बाद जो कि कूलिंग और हीटिंग दोनों मोड्स में काम करता है, हम बात करते हैं हमारा एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो अगेन पावर सेविंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो है पावर लिमिट का फीचर। इस चीज़ का जो इस्तेमाल है वो आप पावर लिमिट को ऑन करके कर सकते हैं। ये आपको 30% से लेकर 100% की कैपेसिटी के अंदर सिलेक्शन देता है और आपको उसके अकॉर्डिंग एनर्जी सेविंग देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 60 पे लेके चला जाता हूँ तो इसका मतलब है कि आपका एसी 60% ऑफ दैट कैपेसिटी जो है वो यूज़ कर रहा है और आपको रेस्ट ऑफ द 40% की वो सेविंग दे रहा है। और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि इस मोड के ऊपर आपकी कूलिंग जो है वो कुछ हद तक मुतासिर भी हो सकती है। अगर आप इसको ज़्यादा गर्मी में इस्तेमाल करेंगे तो इसकी एसी की जो कूलिंग कैपेसिटी है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। तो आप इसको अमूमन उन टेम्परेचर्स में यूज़ करें जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम कूलिंग आपको नहीं चाहिए। तो ये थे हमारे एप्लीकेशन के फीचर्स। और इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी इको स्टार एसी की जो वाईफाई डिवाइस है ये आप कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे इको स्टार रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो आपको विजिट करके इसकी कंप्लीट एंड टू एंड इंस्टॉलेशन देते हैं। तो हमारा UN कस्टमर सर्विस का नंबर है 111-111-397, जहाँ पर आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज आपने इको स्टार एसी के बारे में बहुत कुछ जाना। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो के साथ आपको इको स्टार एसी के इस्तेमाल में आसानी होगी और आप इसके शानदार फीचर्स के साथ भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। शुक्रिया।